जितना आप सोच रहे हैं मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है। राजगुरु जी, आपने भी बात का बतंगड़ बना रखा है। एक दरबारी महाराज से बार बार इनाम पा जाता है, बस इसमें इतना गमगीन होने की क्या जरूरत है? पैसे की कमी तो है नहीं आपको? आप नहीं समझ सकते जो मेरे दिल पर गुजर रही है। फिर अपने दिल का हाल आप ही बताइए राजगुरु। रक्षा मंत्री जी, ये जो तेनाली राम है ना, ये हर बार पता नहीं कैसे महाराज के उल्टे सीधे मसलों को सुलझा लेता है। और महाराज ये समझते हैं कि सिर्फ तेनाली के पास ही अक्ल है, हमारे सर में तो बस हवा भरी है हवा। अगर उसमें अक्ल नहीं है तो वो महाराज के मसाइल का हल कैसे निकाल लेता है? मुकद्दर है उसका, जैसा भी पासा फेंकता है बस सीधा पड़ जाता है। फिर क्या करेंगे ऐसे में? इंतजार। इंतजार किसका? मौके का इंतजार। मेरा भी वक्त आएगा, तब ऐसी चाल चलूंगा कि इस तेनाली की चाल हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी। हाँ, सेनापति जी। महाराज, आपको एक काम करना है। हुक्म करें महाराज। आप अपने जासूसों के जरिए विजयनगर और शांति नगर में जंग करवा दें। मगर जासूसों के जरिए ये कैसे मुमकिन होगा महाराज? दोनों रियासतों के बीच शक पैदा कर दें। यानी दोनों को एक दूसरे की नीयत खराब लगने लगे। मगर इससे हमें क्या फायदा होगा? हम विजयनगर और शांतिनगर दोनों पर अपना परचम फहराना चाहते हैं। यानी जब विजयनगर और शांतिनगर आपस में लड़कर अपनी ताकत गवा बैठेंगे, तब हम जीतने वाले राजा की थकी हुई फौज पर पुरजोर हमला कर देंगे। तब विजयनगर और शांतिनगर दोनों हमारे होंगे। राजगुरु जी। जी महाराज। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तेनाली राम जी दरबार में तशरीफ नहीं ला रहे हैं, क्या इसकी कुछ मालूमात है आपको? महाराज, इसमें सोचने की क्या बात है। आप एक सिपाही को तेनाली राम के घर भेजकर असलियत मालूम करवा लीजिए। हाँ, वजह फरमाया आपने, ठीक है, सिपाही को हाजिर किया जाए। जी महाराज। महाराज की जय हो। तुम तेनाली राम जी के घर जाओ। जी, क्या उन्हें साथ यहीं लाना है? हाँ, नहीं, सिर्फ इतना मालूम करना है कि वे दरबार में क्यों नहीं आ रहे। जो हुक्म महाराज। Thank you.
तेनालीराम जी, तेनालीराम जी, वे नहीं हैं, तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अच्छा ठीक है, जब आए तो कह देना, कहना कि महाराज पूछ रहे थे कि तेनालीराम जी दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा कह दूंगी। रक्षा मंत्री जी, आज देखा आपने? क्या? यदि दो दिन तेनाली राम दरबार में नहीं आया तो महाराज का दिल उदास होने लगा। हाँ। आज तक किसी और की इतनी फिक्र नहीं हुई उन्हें कि सिपाही भेजा हो उसके घर। मगर सिपाही उसके घर भेजने की सलाह तो आपने ही दी थी। मैंने तो ये सोचकर सलाह दी थी कि शायद वो घर पर आराम कर रहा होगा और मुझे कुछ कहने का मौका मिल जाएगा। आपने ये कैसे सोचा कि वो आराम कर रहा होगा? मुझे मालूम है वो दो दो दिन तक बिस्तर में पड़ा रहता है और सबको नीचा दिखाने की तरकीबें सोचता रहता है। तेनाली राम जैसे अकलमंद आदमी। अकलमंद मत कहो उसको। हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि तेनाली राम जैसा आदमी सिपाही को जानने देगा कि वो लंबी तान कर सो रहा है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कमबख्त अंदर जरूर ठाट से आराम कर रहा होगा और सिपाही को कहलवा दिया कि वो तीर्थ यात्रा पर गया है। अब क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगा मैं? अरे पूछूंगा भरे दरबार में किस तीर्थ पर गया था वो, महाराज की लंबी उम्र के लिए कौन सा यज्ञ करवाया उसने, अरे कहां करवाया यज्ञ, किससे करवाया यज्ञ, तब मालूम पड़ेगा उस कमबख्त को। मैं कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता। हाँ। हाँ सेनापति जी, क्या खबर है? क्या बात है सेनापति जी, आप चुप क्यों हो गए? तेनाली राम। तेनाली राम, ये कौन है? महाराज, ये वो शख्स है जो हमारे इरादों पर पानी फेर सकता है। तो क्या वो सिपह सालार है? नहीं हुजूर, वो विजयनगर का एक राज दरबारी है। बस तुम उससे डरते हो? महाराज, डर तलवार से नहीं होता। फिर? हर अकलमंद आदमी से डर होता है। हम तुम्हारी बात नहीं समझे। खास तौर पर उस आदमी से जिसने कई बार तदबीर से अपनी तकदीर बदली हो। महाराज, मैंने मालूम किया है विजयनगर शाही दरबार के कई दरबारी उसके जानी दुश्मन है। क्या कहा तुमने? विजयनगर शाही दरबार में उसके कई जानी दुश्मन है? वे हर बार तेनाली राम को बर्बाद करने की साजिशें करते रहे, मगर हर बार तेनाली राम उनके इरादे नाकाम कर देता है और साथ में विजयनगर महाराज से इनाम भी पा लेता है। तुम फौरन विजयनगर जाओ और उसके दुश्मनों से मिलो। विजयनगर के शाही दरबारियों से मिलो? मैं इसका मकसद नहीं समझा। याद रखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो तो ठीक है, मगर हमारा मकसद तो तेनाली राम को नेस्तनाबूद करना है। हाँ, और इसका रास्ता तेनाली राम के दुश्मन तुम्हें खुद बताएंगे।
या फिर तुम उन्हें बताओगे, क्योंकि तेनाली उनका भी दुश्मन है और हमारा भी। जब दोनों मिलकर सोचेंगे तो जरूर हमें मंजिल मिलेगी। तुम आज ही विजयनगर के लिए रवाना हो जाओ। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, एक सिपाही आपसे मिलने की इजाजत चाहता है, मगर महाराज वह अपना नाम नहीं बता रहा। फिर क्या कहता है? यही कि उसका नंबर है, नाम नहीं। क्या नंबर है उसका? नंबर 88। उसे भेज दो। जो हुक्म। महाराज की जय हो। आओ आओ, क्या कुछ खास खबर है? महाराज, शांति नगर के महाराज विजयनगर पर हमला करने की फिराक में हैं। ठीक है, तुम शांति नगर में फौजी इलाके के आसपास ही रहो। जो हुक्म महाराज। जैसे ही कुछ फौजी हरकत हो हमें फौरन इतला करो। ऐसा ही होगा महाराज। रक्षा मंत्री को बुलवाया जाए। जी महाराज, मैं अंदरूनी हिफाजत के लिए अपने फौज और दरबार के रुतबेदार लोगों पर नजर रखने के लिए खास जासूसों को हुक्म जारी कर देता हूं। हाँ, और देखना कि कौन आला रुतबे का आदमी किससे मिलता है। जी महाराज, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर किसी अंदरूनी मदद के किसी बाहर वाले के लिए हमले की सोचना ही गलत है। हमें ये याद रखना है कि गद्दार हर दौर में और हर रियासत में हुए हैं। बस खबरदार रहना है। और हाँ, एक और बात। वो क्या महाराज? इस खबर की सच्चाई की तकसीद भी कर ली जाए, कहीं ये खबर गलत तो नहीं है। जी महाराज। और फौज को जल्द से जल्द जंग के लिए तैयार होने को कहा जाए। ऐसा ही होगा महाराज। सेनापति, मेरी खबर बहुत पक्की है महाराज। विजयनगर की फौजों को जंग के लिए हरदम तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। लाओ लश्कर तैयार किए जा रहे हैं, रसद इकट्ठी की जा रही है। हैरत है, हैरत है हमें महाराज कृष्णदेव राय की सोच पर। महाराज, इसमें हैरानी की बात नहीं है। सदियों से एक बादशाह दूसरे बादशाह पर और एक रियासत दूसरे रियासत पर काबिज होने के लिए हमले करते रहे हैं। आप ठीक कहते हैं, हालांकि ये जंग हम पर थोपी जा रही है, मगर हम इसका ऐसा जवाब देंगे कि महाराज कृष्णदेव राय फिर कभी शांति नगर की जानिक आंख नहीं उठा सकेंगे। बिल्कुल महाराज, विजयनगर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो ठीक है, जंग की तैयारी शुरू कर दी जाए। जो हुक्म महाराज। तो फिर महाराज का क्या नजरिया है? महाराज ने कहा है। अरे अब बोलो भी। ये राज की बात है। ठीक है,
फिर अपने पास ही रखो अपना राज। महाराज ने कहा है सब दरबारियों और आला अहदेदारों पर नजर रखी जाए, कोई अगर अनजान आदमी से मिलता पाया जाए या कहीं सरहद के आसपास आए जाए तो उन्हें खबर कर दी जाए। मिल गया मौका जिसकी मैं तलाश में था। क्या है मौका? कल देखना दरबार में, मौके का फायदा उठाना किसे कहते हैं। हाँ। तो क्या आपने इस खबर की तकसीद कर ली है कि शांति नगर की फौज विजय नगर पर हमला करने की तैयारी कर रही है? जी महाराज, यह खबर सही है। तो हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जरूर, मगर? मगर क्या? मगर एक खबर और भी है। ये दूसरी खबर क्या है? यह खबर मैं जानबख्शी के वादे के बाद ही दे सकता हूं। जानबख्शी के वादे के बाद ही बात कर सकते हो, ऐसी क्या बात है? क्योंकि इसकी निस्बत आपके एक चहेते दरबारी से है। अगर ऐसा है तो आप फौरन बतलाएं, रियासत के मामले में कोई भी चहेता नहीं होता। महाराज, हमें खबर मिली है कि पिछले दिनों तेनालीराम जी शांतिनगर गए थे। मेरा मतलब है तब जब हमें बताया गया था कि वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। क्या तेनाली राम शांति नगर के महाराज के साथ मिल गया है? ऐसा तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। पर अगर ऐसा है तो वो उसे हमारे सब भेद दे सकता है। और सब सिपाही जी, तुम अभी तेनाली राम के घर जाओ और उसे फौरन अपने साथ यहां राज दरबार में हाजिर करो। जो हुक्म महाराज। आपको यह खबर यही तेनाली राम वाली कहां से मिली? महाराज, मुझे एक दो व्यापारियों ने खबर दी थी जिनका शांतिनगर के व्यापारियों के साथ भी कारोबार चलता है। फिर तो खबर सही होगी, हमें तेनाली राम से ये उम्मीद ना थी। तेनाली राम जी, तेनाली राम जी, रुको भाई आता हूं। तेनाली राम जी, आपको महाराज ने अभी बुलाया है। अभी? जी। आज ऐसा क्या हो गया कि महाराज ने मुझे इस तरह बुलाया है? जरूर कोई खास बात है। कहीं राजगुरु ने कोई चाल तो नहीं चली? चलो देखते हैं। चलो चलते हैं। तक
तेनालीराम, तुम जानते हो हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी पूछेंगे तुम उसका जवाब ठीक ठीक दोगे। आप पिछले सप्ताह किस तीर्थ यात्रा पर गए थे? बुरे फंसे, अब मैं इन्हें ये कैसे कह दूं कि मैं कहीं नहीं गया था, बस घर पर ही था। भाई मन चाहता था 3-4 दिन घर पर आराम करूं, और क्या। तेनालीराम, हमने आपसे कुछ पूछा है, मगर महाराज इतनी सी बात को लेकर इतने संजीदा क्यों हैं? और मेरी बीवी ने तो कह दिया था कि मैं तीर्थ यात्रा पर गया हूं, इसका मतलब बात कुछ गहरी है। कहीं राजगुरु का ये कोई नया खेल तो नहीं? अब मैं जो भी कहूंगा उसी में फंसूंगा। अगर कहूंगा तीर्थ यात्रा पर गया था तो ब्यौरा पूछेंगे, जो मैं साबित नहीं कर सकता। और अगर ये कहूं कि घर पर आराम कर रहा था तो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। इसलिए तेनालीराम, अभी तेरा चुप रहना ही ठीक है। तेनालीराम, तुम चुप क्यों हो? क्यों नहीं बता देते कि तुम शांति नगर गए थे और तुमने विजयनगर से गद्दारी करते हुए शांति नगर के महाराज को हमारे सारे भेद दे दिए हैं और विजयनगर पर हमले का मंसूबा बनवा रहे हो? ये मामला तो बहुत दूर तक जा चुका है। तो राजगुरु ने अपना नया खेल चला ही दिया। महाराज कृष्णदेव राय को विश्वास दिलवा दिया है कि मैं गद्दार हूं, मगर महाराज ने ये कैसे विश्वास कर लिया कि शांति नगर विजयनगर पर हमले की तैयारी में है, जबकि शांति नगर के महाराज और महामंत्री को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं और वो तो बड़े अमन पसंद लोग हैं। ये जरूर किसी तीसरी ताकत का काम है जो शांति नगर और विजयनगर में जंग करवाना चाहता है। ऐसे में तो चुप रहना ही बेहतर है तेनालीराम। तेनालीराम, तुम्हारी चुप्पी जाहिर करती है कि तुम पर लगाया गया इल्जाम सही है। तुमने जो किया है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही हो सकती है। मगर वो वक्त जो हमने तुम्हारे साथ गुजारा उसका ख्याल रखते हुए हम तुम्हें रियासत से निकल जाने की सजा देते हैं। जाओ, निकल जाओ हमारी रियासत से, फिर हमें अपना मुंह मत दिखाना। जी महाराज। जरूर कोई साजिश अंजाम दी जा रही है जिसका पूरा फायदा राजगुरु उठाना चाह रहे हैं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। इस गुंजल का एक सिरा तो विजयनगर है जहां मैं अब कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा सिरा शांति नगर है, और तीसरे का मालूम नहीं। इसलिए जो मालूम नहीं है उसे मालूम करना होगा। वो
अगर मुझ पर ये आरोप लगा कैसे? मुझे महाराज से पूछना चाहिए था, मगर महाराज क्रोधित इतने थे कि कुछ भी दंड दे सकते थे। जानकारी तो लेनी ही चाहिए। अजी, किसकी जानकारी लेनी चाहिए? दो बातें हैं। पहली तो ये कि किन सूत्रों से महाराज को शांति नगर के संभावित आक्रमण की सूचना मिली, और दूसरी? और दूसरी ये कि मेरा नाम कैसे जोड़ा गया शांति नगर के साथ, और कैसे शक हुआ कि पिछले दिनों मैं शांति नगर गया था, और जबकि वास्तव में मैं घर पर शैया सुख ले रहा था। हो सकता है राजगुरु ने कुछ? ना 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 ना, ना राजगुरु, मेरी जानकारी के अनुसार शांति नगर के विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानते। हाँ, जहां तक मेरा नाम बीच में घसीट कर मुझे फंसाने की कोशिश का सवाल है, उसमें राजगुरु का हाथ जरूर हो सकता है। मगर शांति नगर विजयनगर पर आक्रमण करना क्यों चाहता है? वैसे भी शांति नगर की तुलना में विजयनगर कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक कमजोर व्यक्ति या देश अपने से बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति या देश पर बिना किसी कारण के आक्रमण करे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, ये सिर्फ अफवाह है। फिर महाराज क्यों विश्वास कर रहे हैं? अब देखो, एक राजा वास्तव में पंगु होता है, यानी अपाहिज होता है, जो ना स्वयं देखता है, ना स्वयं सुनता है, ना स्वयं कहता है। बस उसे जो बताया जाता है वो उसे ही सच मानता है। अब ऐसे में कोई अक्लमंद षड्यंत्रकारी मंत्री या ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से मंत्री या गुप्तचरों तक समाचार पहुंचाया जा सकता है, वो अवश्य ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है। तो मतलब ये कि ये किसी के षड्यंत्र का हिस्सा है? हाँ। किसके? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी राज दरबार में काम करते हुए मुझे 3 माह ही तो हुए हैं। अब मैं अभी विजयनगर की राजनीति के बहुत से पहलुओं को समझ नहीं पाया हूँ। हाँ, ये तो है। फिर अब क्या होगा? अब पहले तो मुझे अपने माथे पर लगा कलंक मिटाना होगा। मान गए राजगुरु जी, कमाल की खोपड़ी है आपकी। हाँ। क्या चाल चली है? हालात का ऐसा फायदा उठाया कि देश निकाला दिलवा कर ही छोड़ा। अच्छा राजगुरु जी, एक बात बताइए। पूछिए। यदि हम पर आक्रमण की खबर ना आती तो फिर आप क्या करते? तो हम करते इंतजार, मौके का इंतजार। ये ना सही, कोई दूसरा मौका आता मैं उसे तब मारता। मगर राजगुरु जी, ये कोई जरूरी तो नहीं कि दूसरा कोई मौका आता ही? रक्षा मंत्री जी, आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो मेरा 60 साल का तजुर्बा है। अच्छा, कहिए। सुनिए, यदि एक आदमी पूरा दिमाग खोलकर किसी के हालात पर पूरी तरह नजर रखे और ताड़ता रहे, तो याद रखिए उसे एक ना एक दिन मौका अवश्य मिलेगा। लगता है आप सही कह रहे हैं। अच्छा रक्षा मंत्री जी, ये बताइए कि शांति नगर की क्या खबर है? तैयारी वो भी कर रहे हैं,
तैयारी हमारी भी चल रही है। अगर युद्ध हो गया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे शांतिनगर को। मेरी समझ में नहीं आता, क्या शांतिनगर के महाराज की मती मारी गई है जो विजयनगर पर आक्रमण करने की सोची? राजगुरु जी, मेरी अपनी सोच है कि बीजापुर और आसपास की दूसरी रियासतों के सुल्तानों ने शांतिनगर महाराज को किसी भ्रम में डाल दिया है। बहका दिया होगा कुछ लालच देकर। हाँ नहीं गोपाल, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर क्या करें, क्या आप विजयनगर छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, महाराज का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा ही। मगर ऐसे छोड़कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? विजयनगर। विजयनगर, फिर छोड़ क्या रहे हैं? गोपाल ध्यान से समझो, महाराज ने मुझे विजयनगर से निकल जाने का दंड दिया, मगर निकल जाने के बाद वापस ना आने को तो मना नहीं किया था ना? अब नहीं। खैर, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब क्यों? है कुछ योजना मेरी। देखो, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। जैसा मैंने कहा है, तुम प्रतिदिन संध्या उपरांत उन सब के घरों के आसपास चक्कर जरूर काटना। आप चिंता मुक्त हो जाइए, वापसी पर आपको उन सभी राज दरबारियों का पूरा ब्योरा मिल जाएगा। और देखना, तुम पर किसी को शक ना हो। क्या आप अकेले जाएंगे? हाँ। क्यों, हम एक साथ भी तो जा सकते हैं ना? देखो मगम्मा, पहली बात तो ये कि मुझे देश निकाला मिला है, तुम्हें नहीं। तुम अभी भी इस राज्य की नागरिक हो, और वैसे भी मैं तो लौट आऊंगा। मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूं। वो तो ठीक है जी। मैं जा रहा हूं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रोज संध्या के बाद गोपाल आएगा और एक पत्र देगा, उसे संभाल कर रखना। और कोई भी आए पूछने कि मैं कहां हूं तो कहना तीर्थ को गए हैं। और फिर अगर पूछे कि मैं किस तीर्थ को गया हूं तो कहना उसी तीर्थ को जहां पिछली बार गए थे। अच्छा, कह दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हैरानगी हो रही है हमें, तेनाली राम आज महाराज कृष्णदेव राय की ओर से ये तोहफे लाए हैं और हमें ये खबर मिली है। महाराज, ये एक बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है। कैसी साजिश? विजयनगर और शांतिनगर को लड़वाने की। दरअसल हमें भी यही खबर मिली थी महाराज कि आप विजयनगर पर हमला करने जा रहे हैं, मगर क्योंकि हमारे और आपके बीच दोस्ती रही है, इसलिए महाराज कृष्णदेव राय ने कहा है कि हम एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। अगर हमारे दोस्ती से लवरेज तोहफों के जवाब में शांतिनगर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो ठीक, वरना वो समझ जाएंगे कि शांतिनगर विजयनगर से जंग चाहता है महाराज। और महाराज, जंग में बहुत नुकसान होता है और विजयनगर को जीत पाना इतना आसान भी नहीं, और हार जाने पर राजा और रियाया दोनों की आजादी चली जाती है महाराज। लीराम, जंग हम भी नहीं चाहते, हम तो अमन और भाईचारे से रहना चाहते हैं। तो महाराज, देरी किस बात की?
किस बात की देरी? दोस्ती भरा जवाब देने में महाराज। हाँ अवश्य। महामंत्री जी, एक रथ में बेशकीमती तोहफों के साथ महाराज कृष्णदेव राय को हमारी तरफ से एक चिट्ठी भिजवाइए, जिसमें लिखिए कि हम उनसे दोस्ती चाहते हैं और उनका तेनाली राम के जरिए भेजा गया दोस्ती का पैगाम बहुत अच्छा लगा और तेनाली राम जी का शाही मेहमान के तौर पर शांतिनगर में रहने का इंतजाम किया जाए। जो हुक्म महाराज। महाराज विजयनगर की जय हो। कहो सफी, क्या पैगाम लाए हो? महाराज, हमारे महाराज ने आपके लिए ये तोहफा और एक खत भेजा है। हमें बहुत खुशी हुई कि शांति नगर के महाराज ने ये सौगात भेजी है। खत जंग टालने के पीछे तेनाली राम का हाथ है। तो वो पहले से उस जंग को टालने की कोशिश में था। यहां कहा कि वो तीर्थ पर जा रहा है और गया शांति नगर दोस्ती का पैगाम लेकर। वाह तेनाली राम वाह, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। और इस खुशी के मौके पर हम चाहते हैं कि रियासत में जश्न हो। आज तेनाली राम अगर यहां होता तो हम उसे अशरफियों से भरा एक थाल इनाम में देते। तो दीजिए ना महाराज। अरे तेनाली राम आओ आओ। महाराज, मैं तो सिर्फ अपने को बेकसूर साबित करना चाहता था। अच्छा चलता हूं महाराज। अरे तेनाली राम, विजय नगर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। कोषाध्यक्ष जी, एक थाल अशरफियों से भरकर तेनाली राम जी को हमारी ओर से तोहफे में दिया जाए। देखा देखा, मैं ना कहता था ये तेनाली राम का सितारा बुलंद है। मुकद्दर इसके साथ है, गद्दारी करता है और अशर्फी पाता है। Так, дима,